नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि इंदौर में लोगों ने प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और वहीं मथुरा में भी उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन और FIR दर्ज कराने की मांग की। प्रदीप मिश्रा के राधा रानी वाले बयान पर प्रेमानंद महाराज ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि चार श्लोक पढ़ क्या लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक में जाओ। पहले तो आप ये दोनों बयान सुनिए। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को भिगाकर भागवत चार बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी के सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो है? बरसाना। पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमे राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। वही इस पूरे मामले को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। विवादित बयान सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर नारेबाजी के साथ साथ लोगों ने पुतला भी फूंका। वहीं बता दें कि कल महापंचायत बैठाई गई और महापंचायत के दौरान लोगों ने कहा कि जब तक प्रदीप मिश्रा नाक रगड़ कर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है। चलिए आपको वो सुनवाते हैं। आज महापंचायत में क्लियर निर्णय हुआ है कि यदि प्रदीप मिश्रा क्षमा मांगने से पहले उसको कहना पड़ेगा कि मेरी मति मारी गई, कि मैंने राधा जी के बारे में ऐसा घोर अनन्य अपराध किया, उसके बाद ही उसको यहाँ माफी के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माफी मांगने के लिए बरसाने आए, नाक रगड़े, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी और उसके लिए 7 दिन का अनुरोध हमारे कप्तान साहब से किया जा रहा है और निश्चित विश्वास है हमारे यशस्वी कप्तान साहब उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। और यदि वो फिर भी हमारे पूज्य शंकराचार्यों से भी अनुरोध, शंकराचार्य भगवान सभी आचार्यगणों से अनुरोध किया जा रहा है कि उसको व्यास गद्दी से बहिष्कृत किया जाए, फिर भी नहीं मानता है तो बहुत बड़ा आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, हमारा हाईवे जाम करने का आंदोलन, पूरे ब्रज के मंदिरों का बंद करने का आंदोलन ये किया जाएगा। निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम होगा। महाराज जी बोलेंगे, महाराज जी के पास मालक है, सभी लोग ऐसा बना लेंगे जो सबके चेहरे आ जाएंगे। सभी साथियों राधे, जय श्री राधे। ये मैं सर्वसम्मत में जानते हैं कि यहाँ प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। मैं नीचे नहीं थे आपके समर्थन के साथ में पढ़ के सुना रहा हूँ। दिनांक 24 जून 2024 को ये प्रस्ताव बरसाना में हो रही महापंचायत से पारित किया जा रहा है। प्रस्ताव के बिंदु हैं, प्रथम, संतों, समस्त शंकराचार्यों, समस्त वैष्णवाचार्यों, श्री द्वारकाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री गौड़ीय संप्रदाय के शीर्षस्थ संतों से निवेदन करके व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा जी को बहिष्कृत किया जाए। साथ ही व्यासपीठ के लिए नियामक कमेटी बनाकर व्यासपीठ की पवित्रता सुनिश्चित की जाए, ये पहला प्रस्ताव। दूसरा, संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित होगा जब तक कि इस पंचायत से पारित जो भी प्रस्ताव है उनको वो पालन नहीं करेंगे। तीसरा है, जहां जहां कथा हो वहां वहां सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर कथा का विरोध किया जाएगा। चौथा बिंदु है, साथ ही इसका समर्थन करने वाले जयचंदों का भी विरोध व उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पांचवा,
संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे कथा घटनाओं व धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन व प्रदर्शन किया जाएगा। और छठा बिंदु है, जिला प्रशासन ने अगर समस्त साक्ष्य देने के बाद भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की तो अति शीघ्र जिला कार्यालय का समस्त संतों द्वारा घेराव किया जाएगा। और अंतिम बिंदु है, महाराज फिल्मों पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह महापंचायत इस नेटफ्लिक्स पर होने वाली प्रसारित होने वाली फिल्म का पूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित करती है। ये सभी प्रस्ताव जो मैंने यहाँ पर कहे हैं, हम सभी संत आज ब्रज 84 कोष के संत महेंद्र कथाचार्य, भागवताचार्य, रासाचार्य, सभी संप्रदायों के यहाँ पर संत इकट्ठे हुए, परम वैष्णव इकट्ठे हुए, कई गांवों के प्रधान यहाँ पर आए, 84 कोष से लोग आए हुए थे। सबने एक मत से निर्णय लिया है प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी मीडिया पर क्षमा याचना करे, माफी मांगे और बरसाना आकर के राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़े और कहे मुझसे गलती हो गई है। यदि वो क्षमा कर मांगने आएगा तो ही प्रवेश करने दिया जाएगा, वो केवल दर्शन करने आएगा तो उसे प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, रेल रोकेंगे, हम हाईवे जाम करेंगे, हर तरह से आंदोलन करते रहेंगे, तब वो क्षमा याचना नहीं करेगा।